हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष सिंह और निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं समसामायिक मुद्दे काला पानी विवाद पर चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या है काला पानी विवाद। तो दोस्तों, भारत व नेपाल के मध्य सीमा विवाद है काला पानी क्षेत्र में, जिसे हम काला पानी विवाद के नाम से जानते हैं। अभी फिलहाल 8 मई को भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो अपन रूट देखेंगे उसका इनॉग्रेशन किया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। यह 80 किलोमीटर का रूट बीआरओ द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, बीआरओ होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये बीआरओ क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि भारतीय सेना द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र या जो दूसरे देशों से सीमा लगती है वहाँ पर जो रोड का निर्माण किया जाता है वो बीआरओ के अंतर्गत किया जाता है। जैसे अपन देखेंगे पीओके के आसपास कोई सीमा के अंतर्गत यदि कोई सड़क निर्माण करना है, या चाइना सीमा के आसपास कोई सड़क निर्माण करना है, म्यांमार सीमा, बांग्लादेश सीमा, नेपाल सीमा, भूटान सीमा, तो वहाँ पर बीआरओ कार्य करता है। तो बीआरओ ने अभी एक 80 किलोमीटर की दोस्तों रोड बनाई है जो कि काला पानी से लेकर लिपुलेख दर्रे तक जाती है। दोस्तों, पहले जो कैलाश मानसरोवर यात्रा थी वो सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर चीन के तिब्बत होते हुए पहुंचती थी, क्योंकि दोस्तों ये जो मानसरोवर है कैलाश, ये ऊपर पड़ता है चाइना में। तो इस रूट को कम करने के लिए, ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो, भारत सरकार ने उत्तराखंड से एक सीमा ढूंढी है। तो वो सीमा जो है, रास्ता ढूंढा है, वो रास्ता आपका काला पानी से होकर लिपुलेख दर्रा होते हुए कहाँ जाएगा दोस्तों? चीन जाएगा। अब विवाद क्या है? तो दोस्तों, विवाद की जड़ बहुत पुरानी है। अब हम थोड़ा सा नेपाल का इतिहास देखते हैं दोस्तों। तो जो आधुनिक नेपाल की स्थापना की थी वो वहाँ के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने सन 1765 में की थी। दोस्तों, किसने की थी? पृथ्वी नारायण शाह। दोस्तों, नोट करते जाइएगा ये जानकारी, कब? 1765 में। उसके पहले नेपाल छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो पृथ्वी नारायण शाह ने इन सभी छोटे राज्यों को जीतकर एक बड़ा राज्य काठमांडू में स्थापित किया। उसके बाद उसी समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी भारत में क्या कर रही थी? लगातार विस्तार कर रही थी। तो इन दोनों के विस्तार में क्या होती है? एक झड़प होती है। कुछ झड़प देखेंगे गोरखपुर के पास होती है, गोरखपुर के आगे सीमा में अपन देखेंगे वहाँ लड़ाई होती है। तो वहाँ पर शुरू में क्या होता है? गोरखा विजित होते हैं। धीरे धीरे जो नेपाल का अपन देखेंगे राज्य है वह हिमाचल प्रदेश से लेके सिक्किम तक विस्तृत हो जाता है। मतलब सतलज नदी के मोड़ से लेकर दोस्तों कहाँ से? उत्तराखंड, फिर हिमाचल, और फिर यहाँ आएगी आपकी सतलज नदी। सतलज नदी से लेकर नेपाल के आगे आपकी पड़ती है दोस्तों कौन सी? तीस्ता नदी। यहाँ तक आपका क्या है? नेपाल का राज्य विस्तृत हो जाता है। इनकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? इस पर हमला करती है। हमला करने के पीछे एक और कारण है दोस्तों, जब ये हिमाचल पर क्या करते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो वहां का राजा पहली लड़ाई तो जीत लेता है पर दूसरी लड़ाई में हार जाता है। तो वो मदद मांगता है ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्तों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी मदद करती है। उस समय गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड हेस्टिंग रहते हैं। तो ये मदद करने के बाद होती है इनका युद्ध। शुरुआती युद्ध में गोरखाओं को विजय मिलती है, परंतु बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी इनको हरा देती है। और एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है दोस्तों, ये युद्ध आपका कहाँ लड़ा जाता है? इधर नेपाल के निचले तराई क्षेत्र में। यहाँ पर आपका सेनाएं, अंग्रेजी सेनाएं, पृथ्वी नारायण शाह की जो सेना रहती है, खैर तब तो ये नहीं रहते, इनके वंशज रहते हैं, उनको हरा देती है। हराने के बाद दोस्तों सुगौली की संधि होती है। ये जो पहला आंग्ल नेपाल युद्ध है 1814 से 1816 तक चलता है दोस्तों। 1814 में अंग्रेजी सेनाएं युद्ध करने के पश्चात इनको हरा देती हैं। 1815 में संधि होती है, फिर संधि को तोड़ के एक बार फिर लड़ाई होती है, तो 1816 में फिर युद्ध होता है और फाइनली सुगौली में संधि होती है।
अब ये सुगौली कहाँ है दोस्तों? तो सुगौली बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। तो वहां 1816 में क्या होती है? सुगौली की संधि। सुगौली की संधि में ये निश्चित किया जाता है कि नेपाल ने जो पिछले 25 वर्षों में जो क्षेत्र विजित किया है वो भारत को वापस करेंगे। तो लगभग नेपाल का 2/3 हिस्सा किसके पास आ जाता है दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ये जो क्षेत्र रहता है ये निर्धारित होता है काली नदी से लेकर, कहा दोस्तों? काली नदी से लेकर, ये नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है, और पूरब में देखेंगे तो मेचू नदी तक ये सीमा तय होती है। इसके बाद दोस्तों नेपाल क्या हो जाता है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो जाता है। इसके बाद भारत और नेपाल के संबंध मधुर हो जाते हैं। लगभग 90-98% सीमा क्लियर है दोस्तों, 2% में सीमा विवाद है। एक सुख्ता विवाद है और दूसरा आपका काला पानी विवाद है। अब ये समस्या कहाँ से आई? तो दोस्तों आज़ादी के बाद लगभग नेपाल और भारत के मध्य सीमा का ज़्यादातर हिस्सा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। जो थोड़ा बहुत बचा था उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। परंतु सन 1962 में जब चीन भारत पर आक्रमण करता है तो भारतीय सेनाएं दोस्तों कहाँ पर तैनात होती हैं? आपके काला पानी क्षेत्र लिपुलेख दर्रा पर। अब क्यों? क्योंकि ये एक ऊंचा स्थल है। यहाँ पर, यहाँ से अगर हम चीन साइड देखें तो हमें वहाँ की गतिविधियों का पता चलेगा, क्योंकि ये ऊंचा क्षेत्र है, वहाँ जो गतिविधियाँ होंगी वो हमें स्पष्ट दिखाई देंगी। तो 1962 से भारत ने ये क्षेत्र नहीं छोड़ा और यहाँ पर आपकी सेना की चौकी भी स्थापित की। इसके बाद दोस्तों सन 2008 में जब नेपाल में सत्ता पलटी और माओवादियों का राज्य आया तो वहाँ पर जो मधेसी थे, हिंदू माना जाता है उन्हें, मधेसी ने क्या किया? आंदोलन स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? मधेशियों को, क्योंकि उनके पूरे अधिकार नहीं दिए गए, उनको अधिकारों से वंचित रखा गया, तो मधेशियों ने आंदोलन किया, जिस कारण आगे चलकर भारत ने कुछ समय के लिए नेपाल को जो सामान जाता था यहाँ से, पेट्रोलियम अनाज वगैरह, उसको स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे विवाद थोड़ा सा कारण बना। इसके बाद अपन देखेंगे अभी हाल में ही भारत ने जो नक्शा जारी किया है दोस्तों, जिसपे जम्मू कश्मीर को 2 टेरिटरी में बांट के दिखाया गया है, उस नक्शे में जो काला पानी क्षेत्र वो भारत के नक्शे में दिखाया गया है। तो नेपाल ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी, वो समस्या भी धीरे धीरे कोरोना के चलते खत्म हुई। परंतु अभी हाल में ही 8 मई में जो कैलाश मानसरोवर के लिए जो मार्ग बना दोस्तों, इस मार्ग का इनॉग्रेशन हुआ और 9 तारीख को नेपाल ने क्या किया, इस पर ऑब्जेक्शन किया कि आप हमारे क्षेत्र पर सड़क निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अभी हाल में ही नेपाल ने भी अपना एक नक्शा जारी किया है, आधुनिक नेपाल का नक्शा, जिसमें इस काला पानी क्षेत्र को उसने अपने नक्शे में दिखाया। तो भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज की। यहाँ से जो अपने सेना प्रमुख हैं नरवरे जी, उन्होंने भी क्या कहा, एक बयान दिया कि जो स्थल या जो क्षेत्र भारतीय सेना में या भारतीय सेना के कब्जे में है उसे हम नहीं छोड़ेंगे। तो नेपाल और भारतीय जो सरकारें हैं इस पर अभी विवाद की स्थिति चल रही है। अब हम देखेंगे विवाद आखिर क्यों है, जब नदी है, नदी के जो पश्चिम साइड का क्षेत्र, नदी के पश्चिम साइड का क्षेत्र भारत और पूरब साइड का क्षेत्र नेपाल के लिए कर दिया गया है, तो फिर विवाद कहाँ है? विवाद दोस्तों काली नदी के ओरिजिन को लेकर है। काली नदी को हम शारदा नदी भी कहते हैं। अब इसका ओरिजिन हम देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि इस नक्शे में हम देख रहे हैं, यहां से तो काली नदी से सीमा स्पष्ट हमें समझ आ रही कि इसके पश्चिम में भारत और पूरब में नेपाल, परंतु जो इसका ओरिजिन है वो पहाड़ी नदी है, हिमालयी नदी है, और कई नदियों से, कई शाखाओं से मिलकर ये क्या बनती है, बड़ी नदी मिलती है। अब जब हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में अपन जाएंगे तो इसका जो एक उद्गम माना जाता है वो लिम्पिया धुरा माना जाता है दोस्तों। ये यहाँ नदी लिम्पिया धुरा से आती है और यहाँ मिलती है, जबकि इसका दूसरा स्रोत जो है वो लिपुलेख दर्रा माना जाता है दोस्तों, कि लिपुलेख दर्रे के पास से आकर यहाँ पर मिलती है। नेपाल जो है लिम्पिया धुरा को ओरिजिन मानता है, इसलिए ये क्षेत्र किसका माना जाएगा? नेपाल का माना जाएगा। जबकि भारत लिपुलेख को ओरिजिन मानता है तो ये क्षेत्र किसका आएगा? भारत के हिस्से में आएगा। मतलब कुल मिला के विवाद इस क्षेत्र को लेकर है, और ये एक दोस्तों बड़ा क्षेत्र है अगर देखा जाए, क्योंकि अगर ये लिम्पिया धुरा को हम छोड़ दें तो ये तो छोटा क्षेत्र है, पर ये बड़ा क्षेत्र है दोस्तों। विवाद का ये जो स्थल मैंने दिखाया है, ये छोटा सा नक्शा, यहाँ पे ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर ऊपर से चीन,
पूरब से नेपाल और भारत पश्चिम सीमा बनाता है। सेम उसी तरह जैसे सिक्किम के पास में डोकलाम विवाद था दोस्तों, तो डोकलाम की तरह ही काला पानी विवाद है। अब इस नक्शे को हम जूम करके यहाँ पे लाए हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लिपुलेख दर्रा है, यहाँ पे काला पानी है, एक नदी का उद्गम ये है, एक उद्गम ये है, और यहाँ से ये यहाँ तक क्या है 80 किलोमीटर का दोस्तों रास्ता है। अब रास्ता बन चुका है, अब इस पर नेपाल क्या कर रहा है, विवाद कर रहा है। अब यह विवाद समझौता या बैठक या चर्चा द्वारा ही क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। भारत का मानना है कि यह विवाद नेपाल चीन के कहने पर कर रहा है। अब चीन नेपाल के पक्ष में क्यों है, तो कारण यह है कि जो नेपाल में वर्तमान सरकार है केपी ओहली की, खड़ग प्रसाद ओली की, वह कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्टों का झुकाव चीन के साइड ज़्यादा है, या हम कहें चीन में भी कम्युनिस्ट सरकार है। तो चीन क्या कर रहा है, नेपाल का समर्थन कर रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्या हो गया, राजनीतिक व्यू हो गया। यहाँ पर हुआ ये कि नेपाल के लोगों ने सड़क पर निकलकर प्रदर्शन चालू किया कि भारत नेपाल के क्षेत्र में कब्जा कर रहा है, जिस दबाव के कारण सरकार को भी क्या देना पड़ा, बयान देना पड़ा। अब दोस्तों समस्या ये है कि लिम्पियाधुरा को ओरिजिन माना जाए कि लिपुलेख को माना जाए। यदि लिम्पियाधुरा को माना जाएगा तो ये हिस्सा नेपाल के क्षेत्र में आ जाएगा, और यदि लिपुलेख को माना जाएगा तो ये हिस्सा कहाँ आ जाएगा दोस्तों, भारत के क्षेत्र में आ जाएगा। अब सवाल ये है कि ये मुद्दा निपटेगा कैसे, तो इस मुद्दे के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को और ओली जी को साथ में बैठकर दोस्तों चर्चा करनी होगी, और हो सकता है कि यह मसला यूएन में भी उठे या यूएन में जाने से पहले ही हमें इसे सॉल्व कर लेना चाहिए। ये हमारे लिए राजनीतिक प्लस अपन देखेंगे तो सेना की राजनीतिक और सेना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और नेपाल के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल है क्योंकि उसने विवाद बयान तो दे दिया, अब बयान से पीछे हटने पे उनकी क्या होगी, सरकार की किरकिरी होगी। तो दोस्तों ये था काला पानी विवाद। तो एक बार आप काला पानी विवाद को जरूर अच्छे से सर्च कर लेंगे, देख लेंगे। इसके बारे में यदि कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। आप पीछे चल रही इमेजों में अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये विवाद कैसा है डायग्राम के हिसाब से। ऐसे छोटे छोटे बात दोस्तों कई विवाद हैं। एक आपका सिस्ता विवाद भी है, ये भी भारत नेपाल के बीच में है दोस्तों। फिर अपन देखेंगे पीओके पर तो चल ही रहा है गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर विवाद। थोड़ा सा विवाद अगर अपन देखेंगे तो अक्साई चीन को भी लेकर है भारत और चाइना के बीच विवाद। बांग्लादेश से जो हमारा विवाद था दोस्तों, हमने उसे सुलझा लिया था बस्तियों का आदान प्रदान करके। तो हो सकता है यहाँ पे एक जो अपन सॉल्यूशन देख सकते हैं कि काला पानी बैठक करें और काला पानी क्षेत्र को भारत अपने एरिया में लेके जो सिस्ता क्षेत्र है वो नेपाल को दे सकता है, इससे भी विवाद सुलझ सकता है। क्योंकि नेपाल के लिए ज़्यादा जरूरी है इस विवाद को सुलझाना। कारण क्या है कि नेपाल एक बफर स्टेट है, ऊपर इसके चीन है और नीचे क्या है दोस्तों भारत है। तो जो भी सामग्री इससे पहुंचेगी वो भारत होकर पहुंचना ज़्यादा आसान है। कारण ये है कि यदि कोई चीज़ चीन से होकर आती है, 10 रुपए की चीज़ है मान लीजिए या 20 रुपए की, यदि वो चीन से होकर आती है दोस्तों तो वो 20 रुपए की चीज़ 200 की पड़ेगी, जबकि भारत होकर आएगी। देखिए भारत से बांग्लादेश समुद्र के थ्रू बांग्लादेश, बांग्लादेश से भारत होते हुए नेपाल, तो वो 20 रुपए की चीज़ मुश्किल से 35-40 रुपए की। तो नेपाल के लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि वह सीमा विवाद को सुलझाए, क्योंकि लिपुलेख हमारे लिए दोस्तों जरूरी है। यह एक दर्रा है जहाँ से चीन पर हम नजर रख सकते हैं, मानसरोवर यात्रा का मार्ग भी खुलेगा तथा व्यापारिक मार्ग भी खुलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।